Welcome students of Domingos Academy. Today we start Class-6th Maths Chapter-6 Simplification. आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, उसके क्या रूल रेगुलेशन है, ठीक है, इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो है रूल बाय रूल स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो होता है। बिना स्टेप के बिना रूल के आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल होते हैं जिसको हमको समझना है, पढ़ना है, ठीक है। देखिए सिंप्लीफिकेशन करते समय सबसे पहले आप देखते हैं कि क्वेश्चन में बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, कई तरह के ब्रैकेट्स आपने देखे होंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन नोट करता हूं, इसमें ये आर्य अग्रवाल का एक्सरसाइज 6 का है, ये क्वेश्चन नंबर 4, जिसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको डिफाइन करूंगा, सॉल्व करूंगा। 4 प्लस 16 माइनस 5 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसमें कि आप देख रहे हैं कई सारे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। 19 माइनस बिग ब्रैकेट 4 प्लस मिडिल ब्रैकेट 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस 2 देन स्मॉल देन मिडिल ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। तो इतने सारे ब्रैकेट्स हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसके रूल है। देखिए फर्स्ट यूजेज ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के ब्रैकेट्स को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे फर्स्ट है बार ब्रैकेट या विनकुलम, ठीक है। विनकुलम ब्रैकेट की जो साइन होती है वो साइन एक लाइन होती है, जैसे नंबर के ऊपर लाइन बना होता है तो वो बार ब्रैकेट कहते हैं। जैसे आप यहां देखिए, अगर इसके ऊपर मैं ये ऐसे कर दिया, ये बार ब्रैकेट है, ठीक है। तो बार ब्रैकेट, सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखिए बार ब्रैकेट है ये, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आफ्टर दैट स्मॉल ब्रैकेट, यहां देखिए आफ्टर दैट स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बार ब्रैकेट सॉल्व किया, आफ्टर दैट स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट की साइन इस तरह होती है, ठीक है। देन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, कर्ली आप कहिए ऐसे होता है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। देन आफ्टर बिग ब्रैकेट, और फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, बिग ब्रैकेट आपका साइन ऐसे होता है, ओके। यहां पे भी आप देख सकते हैं ये बार ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट एंड दिस इज बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। ब्रैकेट जो है पेयर्स में होते हैं, जैसे कि ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है ना। तो ये आपका ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो क्लोज होता है, बार ब्रैकेट ऐसा नहीं होता है, बार में केवल एक सिंगल बार बना होता है, ठीक है, तो उसमें ओपन और क्लोज ब्रैकेट नहीं होता। तो ये आपने ब्रैकेट के बारे में समझा कि ब्रैकेट को किस सिक्वेंस में हमको सॉल्व करना है। अब देखिए फिर उसके बाद एक रूल होता है वी बोर्ड मास का, ठीक है। वी बोर्ड मास जब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं उसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ब्रैकेट ओपन किए तो ब्रैकेट में लिखा है 12 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है, कुछ इस तरह का अगर लिखा हुआ है तो अब इसमें हमको सॉल्व करना है। तो प्लस वाला पहले करेंगे कि माइनस वाला पहले करेंगे कि डिवाइड पहले करें, ठीक है ना, कि मल्टीप्लिकेशन सब करें, कौन सा करें। तो उसके लिए भी रूल है कि हमको कौन सा साइन, कौन सा जो मैथमेटिकल है उसको हमको सॉल्व करना है।
तो यहां देखिए सबसे पहले वी बोर्ड मास की वी वी मींस विनिकुलम, विनिकुलम और बार, इसी को बार, विनिकुलम को ही बार ब्रैकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, मींस बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जो हमारे ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स में जैसे कि स्मॉल, मिडिल, लार्ज या बिग ब्रैकेट, इसको हम करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट डी, ठीक है ना, डी डिवीजन, सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं। जो डिवीजन की अपनी साइन होती है इस तरह से, इसको हम करते हैं। देन मल्टीप्लीकेशन, ये जो साइन है। देन एडिशन, एंड आफ्टर दैट लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, प्लस एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एडिशन करेंगे और माइनस क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 4 12 4 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, ठीक है, ये आपका। तो इसी तरह से आइए देखते हैं ये क्वेश्चन अपना। सीरीज हियर, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम इसमें ये बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 19, बाकी सबको ऐसे ही उतारते जाएंगे, 19 4 प्लस मिडिल ब्रैकेट 16 माइनस। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, 12 में से 2 गया, माइनस की साइन है तो माइनस की साइन है, माइनस करेंगे, 12 में से 2 गया 10 10, फिर जो भी ब्रैकेट है इसको हम, देन 19 4 प्लस, अब यहां पे देखिए, अब ये स्मॉल ब्रैकेट हमको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो चुका है। अब ये स्मॉल ब्रैकेट हमको रिमूव करना है, तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो साइन का ध्यान देंगे कि ब्रैकेट के अंदर साइन क्या है। तो ब्रैकेट के अंदर साइन क्या है, प्लस का है ना, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस की साइन लगाएंगे। और अगर माइनस होता, माइनस 10 होता तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता, तो प्लस 10 लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 16 माइनस 10 मिडिल ब्रैकेट एंड देन, देख रहे हैं। तो इस तरह से यू सी दैट द स्मॉल ब्रैकेट इज रिमूव, स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब मिडिल ब्रैकेट यू सॉल्व द मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट में क्या है, 16 माइनस 10 क्या होता है, 16 माइनस 10 6 बचेगा, तो आप मिडिल ब्रैकेट 6 एंड दिस, ओके, देन आफ्टर सीरियर प्लस 6 एंड प्लस 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 होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे और 6 को लिख देंगे, प्लस 6, ब्रैकेट रिमूव हो गया, दिख रहा है, ब्रैकेट रिमूव, द ब्रैकेट इज रिमूव, मिडिल ब्रैकेट। देन आफ्टर 6 प्लस 4 10 एंड सी दिस हियर दिस इज प्लस 10 एंड आउट ऑफ ब्रैकेट माइनस, तो प्लस माइनस 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 एंड 10, ओके। देन आफ्टर 19 माइनस 10 इक्वल टू 9, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, ओके, ये इक्वल टू आपको लगाना है, तो ये आपका आंसर हो गया 9। तो इस तरह से बाय द सीक्वेंस ऑफ रिमूविंग ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट के रिमूविंग का जो सीक्वेंस है,
उस सीक्वेंस में आपको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चंस है और यू कैन सॉल्व वेरी इजी बाय दिस मेथड। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन एंड दिस इज द रूल ऑफ हाउ यू कैन ऑफर द सिंप्लीफिकेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।